आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने मुझे कहा कि कुछ जजेस का नाम लेकर जो मैं दोहरा नहीं सकता कि इनकी फैमिली मेंबर्स पीटीआई के जलसों में शामिल होते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, दुरुस्त है। वो पटा पहने फिरते हैं, सबूत है आपके पटा पास? या सिर्फ इल्जाम है? नहीं, सबूत है, वीडियो एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास? हाँ, लेकिन अब अगर हम इसको सामने लाएंगे तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। यानी मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं आपके इलम में है कि जिस दिन जो है वो मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे बाद जज साहबान की फैमिली जो ऊपर गैलरी में बैठी थी और उन्होंने वहाँ पे नारे बुलंद किए थे और ये चीज़ें बाद में मीडिया में भी आई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ों को इन अदारों में बैठे लोग जो हैं वो जब तक इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे उस वक्त तक ये मसाइल तो रहेंगे। आज उस तकसीम का एक नतीजा ये सामने आया है कि पांच जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ने पांचों नाम मुस्तरद कर दिए, तो ये शायद शुरुआत है जो आप करना चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट है आपको, बार की भी सपोर्ट है, जजेस के अंदर से भी मुखालफत आई है? मामला ये है ना कि जजेस के अंदर से जो है वो अक्सरियत मुखालफत में थी, आज दोनों जजेस ने खिलाफ में वोट दिया, यानी दोनों जजेस ने मुखालफ वोट दिया है, उसके बाद फिर सिंध के चीफ जस्टिस ने मुखालफत में वोट दिया है, उसके अलावा एक और जज साहब हैं उन्होंने मुखालफ में वोट दिया है, तो फिर जाके पाँच और चार जो है वो हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं, मेरे मुझे बेपनाह एहतराम है, बहुत ही डिसेंट इंसान है, मैंने उनके साथ जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो मैंने उनके साथ काम भी किया है, यानी बड़े ही यानी बैलेंस्ड और नरम तबीयत के मालिक हैं, लेकिन मुझे ये खुद सुन के परेशानी हो रही है कि वो ये असेस ही नहीं कर सके कि भई मैं अपनी बात जो है वो मैं अकलियत में हूँ, मैं अक्सरियत में नहीं हूँ, तो क्या ज़रूरत थी इस इजलास को करवाने की? ये इजलास मुलतवी हो सकता था जब एक ब्रदर जज ने ख़त लिखा और उस ख़त में उसने आप पढ़े वो ए टू जी पढ़ें, उसमें कोई बात बाकी रही नहीं है, और जो है वो उसमें उन्होंने लिखा कि आप इसको ना करें, इस अजलास को आप अर्जन करें, तो इसके बावजूद आप जो आप बहाना भी है आप इसको अर्जन नहीं कर रहे, और वहाँ पे जब आपने माहौल को असेस कर लिया है कि आपकी तरफ चार वोट हैं दूसरी तरफ पांच हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया फिर भी वो जो है वो चार थे सर, एक वरना अदरवाइज तो तीन और पाँच होता। तो इस हद तक जो मामला अगर पहुंचाए गए हैं तो ये मैं समझता हूँ ये इख्तलाफ नहीं है, ये ज़िद है।